महामारी के कई जानकारों का कहना है कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे जानलेवा होगी, मगर आदित्यनाथ की निर्दयी सरकार बच्चों को बचाने की तैयारी करने की जगह दलाली खाने में व्यस्त रही। खुले बाजार में जो वेंटिलेटर 10,27,000 रुपए में उपलब्ध था उसे आदित्यनाथ सरकार ने 22,00,000 रुपए में खरीदा, यानी पूरे 11,73,000 रुपए की दलाली खाई गई। एक यूनिवर्सल वेंटिलेटर 9,00,000 रुपए में मिलता है, मगर आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने कागजों पर उसकी खरीद 17,00,000 की दिखाकर प्रति यूनिवर्सल वेंटिलेटर 8,00,000 रुपए की चपत सरकारी खजाने पर लगाई है। बाईपैप मशीन और HFNC मार्केट में 1,00,000 रुपए में उपलब्ध है, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाईपैप मशीन की खरीद के लिए प्रति नग 2,73,000 रुपए की रसीद पेश की और HFNC को 2,51,000 रुपए में खरीदा दिखाया। 32,000 के इन्फेंट वार्मर को सीधे दोगुने कीमत पर यानी 64,000 रुपए में खरीदा गया। 22,000 का इन्फ्यूजन पंप 44,448 रुपए में खरीदा है। महामारी के नाम पर सरकारी खजाने में भयंकर सेंधमारी की गई। जनता की जान बचाने के नाम पर जनता का ही पैसा मारा गया। दुनिया में कोई नीच ही होगा जो मासूम बच्चों का हक मारे, उनकी जान का सौदा करके अपनी जेबें भरे। भाजपाइयों ने यही नीच काम किया है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के नाम पर जो मेडिकल उपकरण खरीदे गए उसमें भारी घोटाला किया गया, और जब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इसे उजागर किया तो बेशर्म भाजपाइयों ने इसे राजनीतिक द्वेष में दिया गया बयान बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। तब आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी जी ने सांसद संजय सिंह के मार्गदर्शन में सबूतों के साथ बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले महा घोटाले की शिकायत उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त से की, जिसकी अब जांच शुरू हो गई है। लोकायुक्त ने आदित्यनाथ सरकार के चिकित्सा शिक्षा के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हम आंदोलन की पवित्र आग से जन्मे लोग हैं, भ्रष्टाचारियों को पाताल से खींच कर निकालेंगे और जनता की अदालत में सज्जनता का ढोंग कर रहे हर एक नेता और अधिकारी का पर्दाफाश करके सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे।